हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉपिंग शोभा लाइफस्टाइल। और अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ इस टाइम पे, जिनका रिव्यू आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ एक फ़ेस वॉश जो है एक्ने स्टार का फ़ेस वॉश, और साथ ही साथ मैं एक्वी प्लस की होम्योपैथी क्रीम ट्राई कर रही हूँ। इन दोनों क्रीम्स और फेस वॉश को ट्राई करने का रीज़न ये है कि मेरी स्किन बहुत ऑयली है, और जैसा कि अभी समर सीज़न आ रहा है तो स्किन और ज़्यादा ऑयली हो जाती है, एंड ऑयली होती है तो ऑफ कोर्स एक्ने की प्रॉब्लम, पिंपल्स की प्रॉब्लम होती ही रहती है। तो मैं इन दो रीज़न्स की वजह से मैंने ये फ़ेस वॉश सेलेक्ट किए। फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ फॉर ऑयली स्किन, सेकेंड प्रॉब्लम इज़ फॉर एक्ने प्रोन स्किन। तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया है, दो तीन दिन पहले से मैं इसको लगाना स्टार्ट कर चुकी हूँ। दोनों टाइम मैं फ़ेस वॉश से अपना फ़ेस वॉश करती हूँ, जो कि एक्ने स्टार का फ़ेस वॉश है। मैंने इसके पहले एक्ने स्टार का कभी कोई फ़ेस वॉश यूज़ नहीं किया है, ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे इसके बारे में अच्छे रिव्यूज़ पढ़े हैं, इनमें जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में काफ़ी पढ़ा है कि ये काफ़ी अच्छे होते हैं स्किन के लिए, ख़ास तौर से एक्ने और पिंपल्स के लिए। इसलिए मैंने इस फेस वॉश को परचेज़ किया है। प्लस साथ ही साथ एक्वी प्लस क्रीम के भी मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ पढ़े हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स चेक किए, जिससे ये पता चलता है कि ये ऑयली स्किन को बेनिफिट देने के साथ साथ ये एक्ने से भी डील करता है, एक्ने की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है, प्लस स्किन का टेक्सचर भी अच्छा रखता है। साथ ही साथ ये एक होम्योपैथी फ़ेस वॉश है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे हमेशा ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं मैं पहले उन्हें खुद यूज़ करती हूँ, उसके बाद उसका जो भी इफ़ेक्ट मिलता है या साइड इफ़ेक्ट मिलता है मैं उसके बारे में आप लोगों को बताती हूँ। तो कोई भी प्रोडक्ट मैं ऐसे ही स्किन पर अप्लाई नहीं करती हूँ, उसके बारे में काफ़ी जानकारी लेती हूँ। तो ये दो प्रोडक्ट्स मैंने सर्च किए हैं, इनके बारे में जानकारी ली है, जो कि एक फ़ेस वॉश है और एक होम्योपैथिक क्रीम है। इनके इंग्रेडिएंट्स को लेके, रिव्यूज़ को लेकर के मैं बहुत एश्योर हो गई हूँ। उसके बाद मैंने इन्हें अपने फेस पे अप्लाई करना स्टार्ट किया है। एक हफ्ते इन्हें अप्लाई करने के बाद में मैं आपको ये दोनों ही क्रीम और प्लस फेस वॉश दोनों का रिव्यू दूँगी, मैंने कहाँ से परचेज़ किया उसकी डिटेल भी मैं आपको इस लिंक में भी दे दे रही हूँ। प्लस मैं जब आपको वीडियो का रिव्यू दूँगी फ़ेस वॉश का और क्रीम का, वहाँ पर भी मैं आपको लिंक दे दूँगी उसके सारे इंग्रेडिएंट्स, पैकेजिंग और उसके जो भी मुझे रिजल्ट्स मिले हैं एक हफ्ते में, मैं उनके बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी दे दूँगी। तो अगर आपको भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स, मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेना अच्छा लगता है, ट्राई करना अच्छा लगता है, और आप इसके ऑनेस्ट रिव्यूज़ चाहते हैं कि आपको एज़ इट इज़ जो भी चीज़ें हैं वैसे ही बताई जाए और ख़ुद पे यूज़ करके अपना एक्सपीरियंस बताया जाए, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यूज़ आपको देती रहती हूँ, खुद अप्लाई करती हूँ फिर रिव्यूज़ आपको देती हूँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए शॉपिंग शोभा लाइफस्टाइल चैनल को। थैंक यू।